तो यार अपना टॉप ऑफ रिवॉर्ड आ गया तो जल्दी से देख लेता हूँ यार क्या आया है टॉप ऑफ रिवॉर्ड में। ये टट्टी किसने की है? हेलो गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। तो मैं एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ में, तो यार इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्री फायर में आने वाले न्यू कोलैबोरेशन के बारे में, एंड गाइस साथ ही साथ बात करने वाले ड्रैगन एके के बारे में, वो वाली ड्रैगन एके जो कि इवोल्यूशन है, एंड गाइस गोल्डन M1887 जो पिछले अपडेट में आनी थी उसका भी एक ब्रांड न्यू लीक आया है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो गाइस वीडियो पे कंटिन्यू करने से पहले आप लोगों को एक बहुत ही छोटा सा काम करना है, सब्सक्राइब बटन पे जाके वन टैप मारना और बेल आइकन को ड्रैग करके ऑल पे सेट कर देने का है। बहुत ही इजी काम है ये प्रो लोगों के लिए, और मुझे पता है कि मोस्टली लोग जो मेरी वीडियो देखते हैं ना वो सब प्रो है। तो यार प्लीज़ सबसे पहले जाके सब्सक्राइब बटन पर वन टैप मार दो और बेल आइकन को ड्रैग करके ऑल पे सेट कर दो। तो गाइस अगर आपको मेरे बैकग्राउंड में नॉइस आ रही हो तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मेरे यहाँ बहुत तेज़ बारिश हो रही है और यार आपको पता है कि बारिश में आवाज़ कुछ कर नहीं सकते, तो प्लीज़ अगर वॉइस ज़्यादा है तो इग्नोर करना। मैं ट्राई करूँगा म्यूज़िक से कवर करने का, बट अगर नहीं होता तो प्लीज़ इग्नोर करना। सबसे पहले हम कोलैबोरेशन की बात कर लेते हैं। तो गाइस गेम के अंदर हमें बहुत ही जल्दी फ्री फायर विथ वेनम का कोलैबोरेशन देखने को मिलने वाला है। सबसे पहला कोलैबोरेशन होगा वो इस अपडेट का, एंड गाइस इस कोलैबोरेशन में हमें कुछ बेसिक चीज़ें गेम के अंदर देखने को मिलने वाली है। सबसे पहले हम बात करें तो गाइस देखने को मिलने वाला एक बैकपैक की स्किन जो कि सेम हमारे स्पाइडर बैकपैक जैसी होगी, बट सिर्फ कलर चेंज है, कोई एनिमेशन नहीं कुछ भी नहीं देख सकते आप लोग, सिर्फ और सिर्फ कलर चेंज है और जो ग्राफिक्स है वो चेंज है, बाकी ओवरऑल सेम का सेम बैकपैक है और हल्का फुल्का टचअप चेंज करा है गाइस, ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करी है। तो ये बैकपैक होगा हमारा वैनम थीम पे, आई डोंट नो फ्री मिलेगा या डायमंड में मिलेगा या फिर किसी इवेंट में कैसे क्या मिलेगा, कोई आइडिया नहीं है, बट जल्दी इसका भी पता चल जाएगा हमें। नेक्स्ट चीज़ की बात करें तो गाइस एक बंडल है जो कि मतलब एकदम बेसिक सा बंडल है, कोई हाई फाई बंडल नहीं है, देख सकते हो आप लोग एक ये बंडल है जो हमारा वैनम थीम पे होने वाला है। एंड गाइस अगर आपको थोड़ा सा भी स्लाइटली रिकॉग्नाइज हो रहा हो तो ये एक बनी वाला इंक्यूबेटर आया था गाइस, सेम वही ड्रेस है, सिर्फ बनी वाला हेड नहीं है और ग्राफिक्स चेंज है, एंड जो बनी वाला एनिमेशन थे वो इसके अंदर नहीं है, बाकी सेम टू सेम कॉपी वही बंडल है, तो मतलब रिसाइकल कर रहा है गरीना बंडल। तो ये बंडल हमें हमारा वैनम थीम पे देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा गाइस एक लूट बॉक्स की स्किन है जो कि मतलब बेसिक सा लूट बॉक्स है, ज़्यादा कुछ ओपी बात नहीं है, ठीक ठाक सही है, ये हमें एक देखने को मिलने वाला है। एंड गाइस लास्ट बट नॉट द लिस्ट एक हेलमेट की स्किन है जो कि मतलब बहुत ही घटिया सी है, बहुत ही घटिया सी है, देख सकते हो आप लोग, ये मोस्ट प्रोबेबली मैं बोल सकता हूँ कि हमें फ्री में मिलेगा, मुझे नहीं लगता कोई पैसा खर्च करेगा इसके लिए। तो ये एक हेलमेट की स्क्रीन है जो हमें देखने को मिलने वाली है। इसके बाद गाइस एक और चीज़ रह रही है, सॉरी एक और चीज़ रह रही है जो कि एक बाइक की स्किन। तो गाइस बाइक की स्किन भी हमें एक वैनम थीम पे देखने को मिलने वाली है जो मतलब देख सकते हो पूरी काली काली कर दी है और वैनम की स्किन का टच दे दिया है। लेजेंडरी नहीं होगी, नॉन लेजेंडरी होगी, एंड हो सकता है ये भी हमें फ्री में देखने को मिल जाए, क्योंकि यार नॉन लेजेंडरी बाइक है तो शायद फ्री में ही दे दे गरीना, लेजेंडरी होती तो एक बार को डाउट होता कि गरीना शायद डायमंड में दे, बट नॉन लेजेंडरी मोस्ट प्रॉब्ली हमें फ्री में ही देखने को मिल सकती है। तो गाइस यही थे मोस्टली हमारे आइटम वैनम थीम के, हो सकता है गाइस एक और वैनम का एग्जैक्टली वैनम जैसा बंडल हमें देखने को मिल जाए, बट उसको लेकर अभी कोई क्लियर लीक नहीं आया है। अब गाइस बात करते हैं हम हमारे ईवो गन के बारे में। तो गाइस गरीना के इंस्टाग्राम पेज पे मतलब इंडिया फ्री फायर ऑफिशियल जो पेज है उस पे इसकी वोटिंग चल रही है, उस पे जाके आप वोट कर सकते हो कि आपको कौन सी गन पसंद है, हमारी इवोल्यूशन स्कार या फिर हमारी इवोल्यूशन ए के, और मोस्ट प्रोबेबली जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे वो वाली गन हमें रिटर्न देखने को मिलेगी हमारे सर्वर में। हमारे सर्वर में रिटर्न देखने को मिलेगी ऐसा गरीना ने बोला तो नहीं है, बट अलग बहुत सारे सर्वर्स में ऐसा बोल चुका है गरीना कि हाँ उनको जिस पे सबसे ज़्यादा वोट आएंगे वाली गन गेम में वापस उन्हें रिटर्न मिल जाएगी। तो मोस्ट प्रोबेबली यही हमारे इंडियन सर्वर में भी होगा, और आई नो मोस्टली लोग हमारे एके को ही वोट करेंगे क्योंकि बहुत ही कम लोगों के जिन्होंने एके निकाली है, और स्कार आई डोंट नो लोगों को ज़्यादा पसंद क्यों नहीं आती है मुझे समझ में नहीं आता, बाकी स्कार भी एक अच्छी गन है, बट यार मोस्ट प्रोबेबली लोग सब एके के लिए ही वोट करेंगे। तो गाइस बहुत ही जल्दी हमें ड्रैगन एके मतलब हमारी इवोल्यूशन वाली ड्रैगन एके गेम के अंदर रिटर्न आने वाली है, और ऑब्वियसली फेडेड विल इवेंट में ही आएगी। तो अगर आपको निकालनी है या आपको पसंद थी पहले नहीं निकाल पाए हो तो डायमंड सेव करना अभी से शुरू कर दो, क्योंकि यार जल्दी हमें देखने को मिल सकती है। सो गाइस अब हम आते हैं हमारे लास्ट टॉपिक के ऊपर, और वो है हमारी गोल्डन वाली M1887। अगर आपको याद हो तो ये हमारे पिछले अपडेट में आनी थी बट नहीं आई है। बट गाइस उस पर चलने से पहले आप लोगों को एक बहुत ही छोटा सा काम करना है, सब्सक्राइब बटन पर जाकर वन टैप मारना और बेल आइकन को ड्रैग करके ऑल पे सेट कर देना है। बहुत ही इजी काम है प्रो लोगों के लिए, और मुझे पता है कि आप लोग सब प्रो है, तो प्लीज़ सबसे पहले जाकर सब्सक्राइब बटन पर वन टैप मार दो और बेल आइकन को ड्रैग करके ऑल पे सेट कर दो।
सो गाइस देख सकते हो लेटेस्ट लीक आया है हमारी गोल्डन वाली M1887 का। देख सकते हो आप लोग पोकर MP40 वाला इंक्यूबेटर वगैरह भी चल रहा है और वो और फेडेड व्हील भी है जो भी रिसेंटली इंडियन सर्वर में आया है। गोल्डन ग्लेयर नाम है इस M1887 का और इसका एट्रीब्यूट्स आप लोग देख सकते हो, डबल रेट ऑफ फायर, सिंगल रेंज और रीलोड स्पीड माइनस, जो कि ठीक ठाक सा एट्रीब्यूट्स है, एकदम ऑसम नहीं बोलूंगा मैं। ओवरऑल देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा कूल लगी है मुझे M1887। एंड गाइस इसी में ही सेम दो बंडल मेल और फीमेल के भी देखने को मिल रहे हैं, जो मतलब गेम के अंदर अभी तक आ जाने चाहिए थे बट वो नहीं आए। तो गाइस बहुत ही ज़्यादा कूल बंडल है और बहुत ही ज़्यादा कूल M1887 की स्किन है। बट यार ये आएगी हमारी टोकन टावर वाले इवेंट में, जिसमें एटलीस्ट 3000 डायमंड आपके खर्च हो ही जाएंगे। किस्मत अच्छी हुई तो भी आपके 1000 से 1500 डायमंड लग जाएंगे। हर किसी की किस्मत अच्छी नहीं होती इसके अंदर और मोस्टली लोगों के 3000 डायमंड तक खर्च हो ही जाते हैं और हो सकता है कि उससे ऊपर भी चले जाएं। तो अगर आपको चाहिए ये तो डेफिनेटली आप निकाल सकते हो। वैसे तो 3000 डायमंड में बोलूंगा ओवरऑल कोई बुरी डील नहीं है, क्योंकि उसके अंदर हमें दो बंडल मेल और फीमेल और साथ साथ हमारी M1887 की स्किन भी मिल रही है। तो अगर आप निकालना चाहो तो बिल्कुल निकाल सकते हो, कोई बुरी डील नहीं है। बट मेरे पास डायमंड नहीं है ऑब्वियसली, और ना ही मैं 3000 डायमंड का टॉपअप करूंगा, तो मैं नहीं निकालने वाला। तो गाइस बहुत ही जल्दी हमें गेम के अंदर देखने को मिल जाएगी, होपफुली यार कि नेक्स्ट मंथ तक आ जाइए गेम के अंदर। सो गाइस ये कुछ इवेंट्स एंड अपडेट्स जो गेम के अंदर बहुत ही जल्दी देखने को मिलने वाले हैं। होपफुली आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। तो यार वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो एंड कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये M1887 कैसी लगी। सो गाइस बाय बाय।